हिमाचल में 4 नई वोल्वो बसें पहुंच गई हैं, 3 अभी आनी बाकी हैं। 4 बसों में 2 धर्मशाला तो 2 बसें कुल्लू डिपो को मिली हैं। ये बसें शिमला से मनाली, मनाली से शिमला वाया कुल्लू, मंडी, सुंदरनगर, बिलासपुर, एम्स, दाड़लाघाट, शालाघाट चलेंगी। शिमला से धर्मशाला और धर्मशाला से शिमला वाया कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर चलेंगी। आज परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर शिमला से बसों को रवाना किया। कुछ दिन बसों को ट्रायल के तौर पर चलाया जाएगा, इसके बाद टाइमिंग फिक्स कर दी जाएगी। बता दें कि मनाली से वोल्वो बस रात 9 बजे शिमला के लिए निकलेगी। रात करीब 10:30 बजे कुल्लू, 12:30 पर मंडी, 1:15 पर सुंदरनगर, अल सुबह 3 बजे बिलासपुर, 4:30 पर शालाघाट से रवाना होकर सुबह करीब 6 बजे शिमला ISBT टूटीकंडी पहुंचेगी। वहीं शिमला ISBT टूटीकंडी से रात करीब 8:20 पर चलेगी। बिलासपुर से रात 11 बजे, सुंदरनगर से 11:36, नेरचौक से 11:41, नेरचौक से 11:51, मंडी से 1:15, भूंतर से 2:40, कुल्लू से 3 बजे, पतलीकूहल से 4 बजे के आसपास चलकर सुबह करीब 5 बजे मनाली पहुंचेगी। धर्मशाला से अभी वोल्वो बस दोपहर 12 बजे शिमला के लिए रवाना होगी। कांगड़ा से करीब 1:15, ज्वालाजी से 2, नादौन से 2:30, हमीरपुर से 3:45, बिलासपुर से 6 बजे चलकर रात करीब 9 बजे के आसपास शिमला ISBT पहुंचेगी। शिमला से बस दोपहर 11:15 के आसपास धर्मशाला के लिए रवाना होगी। बिलासपुर से 2:30, हमीरपुर से 5, नादौन से 5:15, ज्वालाजी से 6:45 के आसपास, रानीताल से 7:15 के करीब, कांगड़ा से 8 बजे के करीब रवाना होकर रात 8:30 बजे के आसपास धर्मशाला पहुंचेगी। किराए की बात करें तो मनाली से शिमला करीब 1019 रुपए किराया लगेगा, साथ ही धर्मशाला से शिमला करीब 923 रुपए लगेंगे। कांगड़ा से शिमला के लिए करीब 852 रुपए लगेंगे। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़ के साथ।